सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय करा श्री वालिदा बोल साधे दरबार की जय। महामाई का जब बुलावा आ गया और हम आ गए भय मंडी की महारानी के दर्शन कराने आपको, तो आपको दिखाते हैं भय मंडी की महारानी का ये दरबार और यहाँ के दर्शन कराते हैं और यहाँ की कमेटी वालों से भी पूछेंगे कि यहाँ पर क्या खास कार्यक्रम होने वाले। तो एक बार सभी लोग जयकारा करते हैं, बोल साचे दरबार की जय। आइए दोस्तों आपको दर्शन कराते हैं यहाँ पर कौन कौन से देवी देवता हैं। तो यहाँ पर हैं बप्पा, गणपति बप्पा जो कि प्रथम पूज्य होते हैं। उसके बाद नौ दुर्गा के स्वरूप जो है वो शुरू होते हैं। सबसे पहले हैं माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री हमें दिखाती हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ या एक बच्चे की लाइफ कैसे होती है, तो वो रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद यहाँ पर है माता ब्रह्मचारिणी जो कि स्टूडेंट लाइफ को दिखाती हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर है माता चंद्रघंटा और माता कूष्मांडा, ये हमें हमारे युवा लाइफ को दिखाती है कि हमें अपने ऊपर कैसे डिसिप्लिन रखना चाहिए और कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, जैसे माँ ने राक्षसों का वध किया था और धरती को बचाया था। उसके बाद आती है माता स्कंद माता और माँ कात्यायनी। माँ स्कंद माँ की गोदी में आप सभी लोग कार्तिक भगवान को देखते होंगे और उसके साथ कात्यायनी माता जो होती हैं, ये संहार करती हैं महिषासुर का। तो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि एक महिला जब माँ के स्वरूप में जाती है तो वो संहार भी कर सकती है। उसके बाद आती है माता कालरात्रि जो कि सप्तम स्वरूप होती है। और उसके बाद आती है महावाई। कालरात्रि दिखाती है कि विनाश करने के बाद हम एक सात्विकता को प्राप्त होते हैं, एक अच्छे आचरण पे जाते हैं जो कि महागौरी है। और जब सब चीज होती है हम सब सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं जो कि सिद्धिदात्री हमारी बड़ी माता होया मंडी की महारानी। ये है माता का नव स्वरूप। इसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों बाबा बजरंगबली भी आए हुए हैं क्योंकि इनके बिना माँ की पूजा हो नहीं सकती। और यहाँ पर माता के दूसरे पुत्र भैरवनाथ भी आए हुए हैं जिनके बिना भी माता की पूजा नहीं हो सकती है। मेंबर्स और इनसे हम पूछते हैं कि बताइए इतना बड़ा आयोजन होता है और नौ दिन तक का आयोजन रहता है, तो आपके इसमें शासन प्रशासन का कैसा सहयोग रहता है? शासन प्रशासन का इसमें पूरी तरह सहयोग रहता है। हमारे सूरज गुप्ता जी जो इस कमेटी के सदस्य हैं, मेन सदस्य हैं, वो लाइट पंडाल साउंड फायर विकेट बिजली विभाग जहाँ जहाँ की परमिशन होती है वो एक महीने पहले लेके सब सेटल करके अच्छे से होता है। इसीलिए प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहता है और कुछ बोलते भी नहीं है, वो काफी सारी परमिशन हमारे पास रहती है। अच्छा, ये आप ये समझिए कि हाँ। जो भी आप कार्यक्रम देख रहे हैं किसी एक बंदे की मेहनत नहीं है, हाँ। इसमें ये पूरी कमेटी द्वारा ये संचालन हो रहा है, तब जाके आज ये हम लोग इतना विशाल रूप दे पा रहे हैं। जैसे ये बताइए कि माता के दरबार की क्या महिमा है, यहाँ भक्तों का कैसा विश्वास है माँ के ऊपर? माँ के दरबार की महिमा का इसका तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता कि माँ तो माँ होती है। आप सच्चे दिल से जो भी मांगेंगे वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका एक नहीं कई एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ पे हम खुद एग्जाम्पल है कि हाँ जो मांगोगे आपको मिलेगा। आपका सच्ची नियत होनी चाहिए, सच्चे दिल से आप माँ से मांगिए, हाँ। जो आप मांगेंगे वो मिलेगा।